बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुआ बड़ा बदलाव। सूर्य कुमार यादव की हुई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ इस बल्लेबाज की जगह मिलेगा सूर्य कुमार यादव को मौका। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अब तक खेले गए अपने तीनों ही मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं अब भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलने मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में हमें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिरकार अब वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव को टीम की प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में उनकी जगह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं बन पा रही है। वहीं अब बांग्लादेश के खिलाफ टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देने पर विचार कर सकता है। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर को बांग्लादेश के खिलाफ आराम दे सकते हैं और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव टीम में खेलते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, वैसे बांग्लादेश के खिलाफ आप सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर में से किसे खेलता देखना चाहते हो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।